साथियों यहां पर बड़ा जरूरी है आप लोगों को ये बताना कि अग्निवीर पॉलिसी क्या है। अग्निवीर पॉलिसी के अंदर इन्होंने देश के सैनिकों को दो हिस्सों में बांटने का काम किया है, रेगुलर सैनिक और अग्निवीर। कम ट्रेनिंग, मैं पहले बता चुका हूं, उस कम ट्रेनिंग की वजह से उनकी मेंटली फिजिकली क्लाइमेटिकली हर तरह से कम ट्रेंड हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन को इन तीनों कंडीशंस में झेलने के लिए पूरी तरह से वेल ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए हमें आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे हम कह सकेंगे कि ये पूरी तरह से ये अग्निपथ स्कीम पूरी तरह से गलत है। इस अग्निपथ स्कीम के अंदर एडीजी पीआई ने बड़े कन्वीनियंट तरीके से ये तो बता दिया कि क्या देंगे और उनकी बी टीम ने बता दिया क्या देंगे, लेकिन राहुल जी की जो सवाल बुनियादी सवाल थे ना, उसको फैसिलिटीज ना पेंशन ना ग्रेच्युटी, उसके बारे में जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉलिसी लेटर है ये, टर्म्स एंड कंडीशंस, जहां कहीं पे ये लोग फंसते हैं तो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं। एसी एनवायरनमेंट में बैठकर पॉलिसी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन मैं इन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने बच्चे भेजे फौज में देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। ये मैं अपने हुक्मरानों से कहना चाहूंगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस का हवाला ना दें। इसमें बड़ा साफ साफ लिखा गया है कि अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेच्युटी। डेथ कम ग्रेच्युटी जो है वो शहीद होने के बाद या अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद एक लिमिट सेट की जाती है कि जो भी उसको मंथली पेंशन मिलती है उसका 8 गुना 12 गुना 20 गुना ये उनको दिया जाता है इन केस ऑफ डेथ डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ सर्विस, तो ये उनको डिनाई कर दिया गया है। उनको मेडिकल फैसिलिटीज डिनाई कर दी गई हैं। दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, दे विल नॉट बी एंटाइटल टू कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट सीएसडी सर्विसेज। तो दे विल नॉट बी एंटाइटल टू पेंशन, जो एंटाइटलमेंट उनकी आपने खत्म कर दी इस स्कीम के जरिए पैसे बचाने के लिए, अपने बिजनेसमैन साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये चीजें उनको डिनाई कर दी गई है। एज लिमिट 17.5 से 21 साल, 17.5 साल में भर्ती और 21.5 साल में अनएम्प्लॉयड। स्ट्रेस ट्रेन पूरी तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस का, फिजिकल ट्रेनिंग का, ऑपरेशनल ट्रेनिंग का। डिसेबल्ड हो गए तो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए मना कर दिया गया, तो ये डिनायल है। तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर फौज का अग्निवीर देश में देश की सेवा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके बाद यह भी कहा गया कि देश के अंदर अब कोई भी रेगुलर भर्ती नहीं होगी।